पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा गरीबों का हाल बेहाल है। इस कड़ाके की ठंड में इसी को देखते हुए आजमगढ़ जिले के सरायमीर कस्बे के मोहल्ला पठान टोला निवासी नफीस अहमद खां समाज सेवी व भावी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी द्वारा नगर पंचायत के वार्डों के रहने वाले गरीब असहाय बेवाओं को अपने आवास से नई बाजार मोहल्ला गढ़वा खुदकास्ता सेराजी का तलिया पूना पोखर पठान टोला पुराना थाना आदि मोहल्लों में 500 कंबल जुमे की नमाज के बाद बांटे गए। लोगों को कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर बुजुर्ग महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। नफीस खां का कहना है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ठंड को देखते हुए इस साल भी ठंड से बचाव के लिए गरीबों सेवाओं असहाय लोगों में कंबल बांट रहा हूं। ये कार्य समाज सेवा के रूप में 14 वर्षों से करता आ रहा हूं, मगर इस बार अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं, इसलिए यह कार्य इससे जुड़ गया। इस अवसर पर कस्बे के परवेज अख्तर अबू साद उर्फ चुन्नू अफजल शेर अफगान उर्फ नाटे हारून खान करीमुल्ला अरशद उर्फ नन्हू शफीकुर रहमान आदि रहे। आजमगढ़ से अबुल बशर आजमी की ये खास रिपोर्ट। ये मैं हमेशा करता हूँ और ये है कि मैं देता था तो लोगों को जनाता नहीं था, मगर कुछ लोग बोले कि थोड़ा लोगों को जानना भी चाहिए और मेरा यही काम ही है कि ठंड में गरीबों के लिए लकड़ी कंबल देना। अभी से लॉकडाउन में मैं राशन बहुत बंटवाया, बहुत से लोग जानते हैं। ये मेरा ये हमेशा समाज सेवा का काम मैं करता रहता हूँ और मुझे ये सब देने करने से मुझे बेहद खुशी मिलती है। आज कम से कम मेरा अंदाज है कि मैं 500 लोग को कंबल वितरण करने का विचार बनाया हूँ और शुरू भी कर दिया हूँ, लोग लेके जा रहे हैं। यह कार्यक्रम आज ही तक सीमित रहेगा कि आगे पूरे ठंड तक ये कंबल वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा? नहीं, ठंड तक जब तक ठंड पड़ती रहेगी आते जाते लोग रहेंगे, मैं देता रहूँगा। क्या उद्देश्य है इस बांटने का? कोई उद्देश्य? कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। वैसे भी मैं राजनीति में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी हूँ, मगर ऐसा कुछ मेरा सोच विचार नहीं है कि ये देने से मुझको लाभ मिले। और मैं हमेशा करता हूँ, ये जनता भी जान रही है, लोग भी जान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।